और अगर मैं 15 साल एक रूम में एक घर में कैद रहने की शर्त को जीत गया तो क्या आप सच में मुझे 25 करोड़ देने की हिम्मत रखते हैं? मुझे मंजूर है, मैं 15 साल एक रूम में एक घर में कैद रहने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। हेलो बैंकर साहब, आप? मैं क्या करूं जमशेद, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं बैंकर साहब। 15 साल पहले आपने जो शर्त लगाई थी उसे तो वो अब निभाता हुआ दिख रहा है और शायद जीत भी जाए। और शर्त पूरे होने में कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं और उसके एवज में आपको उसे 25 करोड़ रुपए देने हैं। लेकिन अगर मैंने उसे 25 करोड़ रुपए दे दिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या मतलब, क्या मतलब कुछ भी नहीं बचेगा? तो नहीं समझ रहा जमशेद, 15 साल पहले मैंने जब शर्त लगाई थी उस वक्त मैं बहुत धनी हुआ करता था। उन 15 सालों में मैंने अपने सारे पैसे जुए, शराब और सट्टेबाजी में लगा दिए और इन सब चीज़ों में मैंने अपने पैसे गंवाए हैं। कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। और अब मेरे अकाउंट में उतने ही पैसे बचे हैं जितने उस वकील को देने हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ये आपने क्या कर दिया बैंकर साहब, आपने ऐसे कैसे कर दिया? आपने इन सब चीज़ों में अपने पैसे बर्बाद कर दिए और मुझे पता तक नहीं। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं जमशेद, मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मुझे उसे पैसे ना देना पड़े। तुम कुछ बोलो जमशेद। देखिए बैंकर साहब, सिद्धार्थ को तो इससे कोई मतलब नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितने नहीं। शर्त के मुताबिक वो तो 25 करोड़ का हकदार है बैंकर साहब, और कागज के मुताबिक अगर उसे 25 करोड़ ना मिले तो वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेने में हिचकिचाएगा नहीं। मुझे तो इस मसले से निजात पाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा बैंकर साहब, अब सब आप पर है बैंकर साहब। नहीं जमशेद, अब तो सिर्फ एक ही तरीका है।
बस कुछ घंटे, कुछ घंटे ही रह गए हैं। इन कुछ घंटों में मैं आज़ाद हो जाऊंगा। कुछ घंटों बाद मेरी शर्त पूरी हो जाएगी। मैं इस कैद से पना हो जाऊंगा, फिर से लोगों से मिल सकूंगा, हाथ मिला सकूंगा, बात कर सकूंगा, दोस्त बना सकूंगा। लेकिन लेकिन आज इस वक्त मेरा दिल मेरे जुबान के हवाले से मेरे ख्यालात को जो बयां करना चाहता है, उसे सुनने के लिए तो फिलहाल मेरे पास कोई शख्स मेरे पास मौजूद नहीं। इसलिए नहीं कि मैं एक शर्त और उससे जुड़े कागजात के तहत इस घर में कैद हूँ और किसी से मिल या बात नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि इन 15 सालों में जो मेरे ख्यालात इस दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए बनी है, उसे सुनने वाला और समझने वाला भी मेरे ही जैसा कोई इंसान होना ज़रूरी है, और शायद ही कोई मुझे ऐसा मिले। 15 साल पहले मैं इस घर में दाखिल हुआ, उस वक्त मैं बहुत खुश था और अजीब भी महसूस कर रहा था। खुश इसलिए कि 15 साल बाद मुझे 25 करोड़ मिलने वाले थे, और अजीब इसलिए कि बड़ा ही अजीबोगरीब शर्त को मैंने मंजूर किया था। मैंने अपना पहला दिन उस घर में अकेले बड़े ही अच्छे से गुजारा। एक दिन एक हफ्ते में तब्दील हुआ, एक हफ्ता एक महीने में, और एक महीना एक साल में तब्दील हुआ, और इसी तरह मैंने लगभग 5 साल गुजार लिए। मैं जब 6ठे साल में था तो अब बोरियत महसूस करने लगा। फिर एक दिन मैंने घर के एक स्टोर रूम में एक कोने में एक पियानो कीबोर्ड को पड़ा हुआ पाया, और फिर मैंने तकरीबन 2 साल उस पियानो कीबोर्ड पे नए नए धुन बनाए, और इसी तरह मैंने अपनी बोरियत को दूर किया और अपने दिल को बहलाया। लेकिन फिर मैं उससे भी बोर होने लगा, और मैंने उस पियानो को उसको उसी जगह पे वापस रख दिया जहाँ से मैंने उसे उठाया था, और इसी तरह मैंने 9 साल गुजार लिए। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे डर लगा करता था। मैं तो कभी कभी रात को सो नहीं पाता था, तो कभी कभी सुबह देर तक सोया हुआ रहता था, तो कभी जब कभी भी घबराहट होती तो मैं खिड़की से बाहर का नज़ारा देख के मन को शांत किया करता था। कभी कभी मैं सोचता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या कर बैठा हूँ। एक दिन तो मैंने शर्त को तोड़कर इस घर से भाग जाने का मन बना ही लिया था। फिर याद आया 25 करोड़, और 25 करोड़ से ज्यादा अजीज ये बात कि ऐसा करने से मैं खुद की बाजीगरी पर लांछन डाल देता। मैं जैसे तैसे अपनी जिंदगी उस घर में काट रहा था और 15 साल पूरे होने का इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन अचानक से मुझे याद आया कि पिछले 15 सालों से बैंकर साहब मुझे कुछ भेजा करते थे, और वो थी किताबें, कई तरह की किताबें जिनके पन्नों को मैंने आज तक नहीं पलटा था। और इस घर में बतौर कैदी अगले 5 सालों को गुजारने के इस जरिए को मैंने अपने अलमारी से बाहर निकाला। मैंने उन हर किताबों को पढ़ा। मैंने क्या नहीं पढ़ा, मैंने फिजिक्स से लेकर मैथमेटिक्स, किस्से, कहानी, उपन्यास, सभी किताबों को पढ़ा। शेक्सपियर, एलियट, किपलिंग, इन सभी महान लेखकों की किताबों को पढ़ा। मैंने इन लेखकों की जिंदगियों को जाना। मैंने उन्हीं किताबों के जरिए पूरी दुनिया घूमी। मैंने हिरन का शिकार किया, मैंने उसका पश्चाताप किया, मोहब्बत की, किसी से नफरत करने की वजूहात को समझा, और फिर मैंने कुछ धार्मिक किताबों से भी रूबरू हुआ। और उन तमाम किताबों को अपने अंदर जज्ब करने के बाद मैं इस नतीजे पर आ पहुँचा कि लोग दुनिया में जिन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं, वो दरअसल उनके खुद के बनाए हुए मोह माया हैं, और इंसान खुद के बनाए हुए चाहतों ख्वाहिशात के दलदल में धंसता चला जा रहा है। पैसा, शोहरत,
नाम, किसी से ऊपर होना तो किसी को नीचा दिखाना, सट्टाबाजारी, मुकाबला, लालच, इंसान को ऊपर वाले ने इन सब चीज़ों के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि उसने तो जिस वजह से इंसान को मिट्टी से फरमाया वो तो कुछ और ही है, और वो है कि जिसको जितना मिला है उसी में वो खुद को खुश रख के परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित रखे। इंसान हमेशा अपने से ऊपर जो लोग हैं उस पर ताक नज़र रखता है, मुझे उससे ऊपर होना है, उससे आगे निकलना है, उससे और ज़्यादा बड़ा बनना है, लेकिन वही इंसान कभी अपने नीचे वाले लोगों पर ध्यान नहीं देता, जिन्हें तीन तो क्या, दो वक्त का खाना भी दुश्वार है, उन्हें देख के कभी अपने दिलो मिजाज को सुकून नहीं देता कि कम अज़ कम खुदा ने उसे उससे तो बेहतर हालात में रखा है। और इन्हीं सब बातों को जानने और समझने के बाद आज मैंने भी एक फैसला किया है कि मैं 15 साल पूरे होने से ठीक 6 घंटे पहले मैं इस घर से भाग जाऊंगा। बैंकर साहब को मुझे 25 करोड़ देने हैं, लेकिन मैं बैंकर साहब के 25 करोड़ उन्हें माफ़ करता हूँ। क्या करने जा रहा था।